एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट्स। टेस्ट और हेल्थ जब एक साथ मिले तो क्या ही कहना। आज की हमारी रेसिपी भी कुछ उसी तरह की है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला, जिसे हम खमन भी कहते हैं। आज हम ढोकला को स्टीम करेंगे पैन में, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इंस्टेंटली इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। ये एक बहुत ही कम तेल में बनने वाली रेसिपी है, तो इसे गिल्ट फ्री खाएं और इंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप बेसन। बेसन को मैंने एक बार ही छलनी से छान लिया है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। और लेंगे 3 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड अदरक और 2 हरी मिर्च कटी हुई। आप चाहे तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हैं। साथ ही लेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट 1 टीस्पून। बेटर रहेगा कि आप बिना किसी फ्लेवर वाला इनो लें, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं लेमन फ्लेवर का यूज कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ढोकले का बैटर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है और अब उसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सूजी, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, दही भी ऐड कर देते हैं, 3 टेबलस्पून दही। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर बनाना शुरू करेंगे। अभी हमें इसमें और भी चीज़ें डालनी है, मगर पहले हम इसका एक बैटर बना लेते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें एक साथ डाल के मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। टोटल मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी इस्तेमाल किया है, तो 1 कप बेसन के लिए मुझे अराउंड 1/2 कप पानी लगा है। पानी कितना लगेगा ये दही पे भी डिपेंड करता है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि आपके परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो। ये देखिए हमारा बैटर तैयार है, ये एकदम इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए। तो चलिए अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, अदरक और हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून ऑयल। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ढोकला एक बहुत ही हेल्दी खाना भी है, क्योंकि इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। और अब हम इस बैटर को 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि बैटर अच्छे से सेट हो जाए। बैटर जब तक रेस्ट कर रहा है, हम वो टिन तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें ढोकला सेकना है। तो मैंने यहाँ एक स्टील का डब्बा लिया है और उसे तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। 15 मिनट हो गया है, बैटर भी अच्छे से तैयार है, तो अब इसमें डालते हैं इनो, 1 टीस्पून इनो। इनो डालने के बाद हमें बहुत केयरफुल रहना है, हमें बहुत जल्दी से इसे मिक्स करना और फिर टिन में डाल के सेक लेना है। मगर ध्यान रहे, जब हम इनो डालें और उसके बाद मिक्स करें तो आप बस एक ही डायरेक्शन में चम्मच चलाएं। उससे क्या होता है कि जो भी एयर बबल्स अंदर क्रिएट हुए हैं वो उसमें रह जाते हैं। तो आप चम्मच को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे मिक्स कर लें। और हम बैटर को अब जल्दी से डाल देते हैं उसी टिन में जिसे हमने पहले से ग्रीस करके रखा था। तो ये हमने इस बैटर को टिन में पोर कर दिया। थोड़ा सा टिन को इस तरह से डैप कर देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब ढोकले को सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने यहाँ एक पैन में लिया है पानी और उसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। और अब मैं उसमें डाल रही हूँ एक स्टैंड, और अब इस स्टैंड पे रखेंगे ढोकले की टिन जिसमें हमने ढोकला का बैटर रखा है। पैन को कवर कर देंगे और अब इसे 25 से 30 मिनट तक इसी तरह से सेक लेंगे। अगर आप इस ढोकले को माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो आप टिन की जगह कोई माइक्रोवेव सेफ बर्तन को ग्रीस करें और उसमें वो बैटर डालकर 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें। ये सेम बैटर से माइक्रोवेव में भी बहुत अच्छा ढोकला बनके तैयार होता है। आधे घंटे हो गए हैं, तो चलिए अब ढोकला खोल के देखते हैं। ये देखिए ढोकला कितने अच्छे से फूल गया है, ये बिल्कुल केक की तरह लग रहा है ना देखने में। आपको स्क्यूअर या नाइफ डाल के इसे इस तरह से चेक करें, अगर स्क्यूअर क्लीन निकले मतलब ढोकला हो गया है। तो इसे केयरफुली निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 3 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 कप वाटर, 1 पिंच हींग, 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल, 3 से 4 हरी मिर्च और धनिया पत्ते गार्निश करने के लिए। तड़का बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है और इसमें डाला है ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालिए 1 पिंच हींग और ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स,
इस स्टेज पे इसमें ऐड करते हैं कड़ी पत्ता, या जिसे हम कड़ी लीव्स भी कहते हैं, मगर मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था इसलिए आज मैं नहीं डाल रही हूँ। आप जरूर इसमें कड़ी पत्ता डालें, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऐड करेंगे 2-3 हरी मिर्च बीच से काट कर। हरी मिर्च को 2-3 मिनट के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे। ढोकले के साथ तली हुई हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग होता है। अब इसमें ऐड कर देंगे शुगर, शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और सॉल्ट, और ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। पानी डालते वक्त आप केयरफुल रहें क्योंकि तेल काफी गर्म है, आप चाहें तो इस वक्त फ्लेम को ऑफ कर दें और फिर पानी डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चीनी अच्छे से डिजोल्व हो जाए, और इसे एक बॉईल आने तक पका लें। ये बॉईल हो गया तो फ्लेम को करते हैं ऑफ। ढोकला भी अब तक अच्छे से ठंडा हो गया है, तो चलिए इसे टिन से निकालते हैं। तो निकालने के लिए मैंने एक नाइफ लिया है और इसे इस तरह से टिन के चारों तरफ घुमा लेंगे। एक प्लेट पे इसको रखेंगे और इस तरह से पलट देंगे, हल्का सा टैप करेंगे, और ये देखिए ढोकला बिल्कुल परफेक्टली बाहर आ गया। तड़का पोर करने से पहले हम इसे इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि ढोकला कितना स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है, ये अच्छा फूला भी है। अब इस पे ये तड़का डाल देते हैं जो हमने बना के रखा था। आप चाहें तो तड़के की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा तड़का पसंद आता है। जो हमने बीच से काटा है वहां पे जरूर तड़का डालें ताकि तड़का अंदर तक जा सके। ऊपर से डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती और नारियल का पाउडर। शानदार ढोकला बन के तैयार है, बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी, और सबसे अच्छी बात कि इसमें बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल होता है तो बहुत हेल्दी भी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, या फिर टिफिन बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।